हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास ट्वेल्थ टीएस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन काइंड एंड ऑल्सो व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर and is withdrawn by old partners fully or partly. So, आज का टॉपिक है when premium for goodwill is brought in kind by new partner. Brought in kind का मतलब होता है कि other than cash, जैसे कि land है, building है, data है, stock है, इस तरीके के valuables अगर नया partner firm में लाता है तो उसे हम कहते हैं brought in kind, जो कि cash नहीं है, लेकिन cash मतलब इनका भी फाइनेंशियल वेटेज है। फाइन, इनको भी हम रुपए में या कैश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब ऐसा कोई सामान आता है फर्म के पास कैपिटल के लिए या गुडविल के लिए, तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। यहाँ सिर्फ गुडविल की बात हो रही है, इसलिए हम सिर्फ गुडविल के बारे में ही बात कर रहे हैं, कैपिटल के बारे में नहीं। फाइन, सो इसे समझने के लिए एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 April 2024 दे एडमिट सोहन एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सोहन कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टूवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब जो नया पार्टनर सोहन है, ओल्ड पार्टनर्स राम और मोहन है, और नया पार्टनर सोहन है जो 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए फर्म को ज्वाइन किया है, और सोहन ने अपने कैपिटल और गुडविल के लिए कैश नहीं दिया है, बल्कि कैश को स्टॉक, डेटर, लैंड और प्लांट और मशीनरी के रूप में दिया है। फाइन, इनका मॉनिटरी वैल्यू तो है, लेकिन ये कैश में ना होकर के किसी दूसरी चीज में है। इसी कंट्रीब्यूशन को हम कहते हैं काइंड, जो कि है स्टॉक ₹60,000, डेटर्स ₹80,000, लैंड ₹1,00,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी ₹40,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹6,00,000। और क्योंकि एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए गुडविल का कैलकुलेशन जरूरी है, तो यहाँ कैलकुलेटेड गुडविल दिया है, नया गुडविल है ₹6,00,000 का, और सोहन को अपने हिस्से का गुडविल लाना है जो कि 1/4 होगा। सो 6 लाख का 1/4 हो गया ₹1,50,000। लेकिन यहाँ तो जो सामान आया हुआ है वो 1,50,000 से ज़्यादा का है, तो उसमें से 1,50,000 गुडविल का है और बाकी जो है वो कैपिटल का है। किसका कैपिटल? न्यू पार्टनर सोहन का कैपिटल। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सोहन्स एडमिशन इफ पार्टनर्स डू नॉट विदड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल एंड इफ पार्टनर्स विदड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। सो इसे किस तरीके से हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है, लेट अस सी इन द सॉल्यूशन। सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कौन से तारीख को हो रहा है? 1 April 2024 को हो रहा है, और जो नया पार्टनर है वो ला रहा है स्टॉक। सो स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक एसेट है ₹60,000 का। डेटर्स ला रहा है, डेटर्स है ₹80,000 का। फिर लैंड भी है ₹1,00,000 का, प्लांट एंड मशीनरी भी है ₹40,000 का। सो इतना सामान वो लेकर आ रहा है, मतलब ये कैश में नहीं है, ना तो बैंक में है, ये मटेरियल थिंग्स है जो लेकर के आ रहा है नया पार्टनर। और इसका ग्रैंड टोटल कितना है? 2,80,000। 2,80,000 में क्या क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल में नए पार्टनर सोहन का कितना है? गुडविल है फर्म का 6,00,000 और सोहन का हिस्सा है कितना? 1/4। सो 1,50,000 इसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल का है, और बाकी जो डिफरेंस है वो कैपिटल का है, सोहन्स कैपिटल। तो यहाँ 2,80,000 है,
280,000 में से 1,50,000 हमने प्रीमियम फॉर गुडविल का दे दिया, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो है रुपीज़ 1,30,000 का, सो 1,30,000 कैपिटल का है। और ये जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपको यहाँ पर से कैलकुलेट करके निकालना है इस तरीके से, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय सोहन, न्यू पार्टनर सोहन। अब हमें ट्रीटमेंट फॉर गुडविल करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर राम और मोहन को, सो पहले दे दीजिए इसे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, डेट वही है रुपीज 1,50,000, और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को जो हैं ओल्ड पार्टनर्स राम एंड मोहन। और सेक्रीफाइजिंग रेशियो है, ओल्ड रेशियो ही यहाँ सेक्रीफाइजिंग रेशियो है 3:2। हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोस देन प्लीज़ रेफर टू द प्रीवियस वीडियोस। सो जब सिर्फ इतना ही जानकारी दी हो कि न्यू पार्टनर का पोर्शन 1/4 है और ओल्ड रेशियो जो भी है इस केस में 3:2 है, तो आप ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइजिंग रेशियो ले सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइजिंग रेशियो आएगा, क्योंकि जो नए पार्टनर का हिस्सा है वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा राम और मोहन के द्वारा अपने ओल्ड रेशियो में, तो वही हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशियो बनता है। सो 1,50,000 को 3:2 में काटेंगे, आएगा 90,000 एंड 60,000। बीइंग गुडविल पेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। नाउ इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर लेकर आया वो पार्टनर्स को दे दिया गया, और दिस अमाउंट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन्ड इन द बिजनेस का मतलब है कि राम और मोहन को जो गुडविल का पैसा मिला उसको उन्होंने कैश में विड्रॉ नहीं किया है। फाइन, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि द मनी ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, इट इज़ नॉट विड्रॉन। जब तक ये कहा ना जाए क्वेश्चन में कि गुडविल का पैसा पार्टनर्स के द्वारा निकाल लिया गया, तब तक हमें उसे निकालना नहीं है। फाइन, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है, पार्टनर्स डू नॉट विदड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल, तो यहीं तक एंट्री रहेगी, इसके आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट तक की एंट्री जो है वो यहां तक है, ये दोनों जो एंट्री है ये फर्स्ट पार्ट की एंट्री है। लेकिन सेकंड पार्ट की जो एंट्री है, जो सेकंड में कह रहा है कि पार्टनर्स विदड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया गया कि विदड्रॉ किया जा रहा है गुडविल, इसलिए हम विदड्रॉल की एंट्री करेंगे, जिसमें पहला और दूसरा एंट्री तो होगा ही लेकिन साथ में एक और एंट्री भी होगा। तो ये जो पोर्शन है ये सेकंड का भी आंसर है, सेकंड के लिए भी हमें यही दो एंट्री करना है और साथ में एक और एंट्री करना है। तो थर्ड एंट्री हम कैसे करेंगे, विड्रॉल की एंट्री करेंगे थर्ड एंट्री। इसमें हम रिवर्स कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, सो जो राम को मिला है वो राम ने विड्रॉ कर लेना है। सो राम अकाउंट डेबिटेड एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू कैश या बैंक लिख सकते हैं, मैं यहाँ बैंक लिख रहा हूँ। और क्या लिखा है क्वेश्चन में, हाफ, तो जितना मिला है उसका हाफ, सो 90,000 का हाफ होगा 45,000 और 60,000 का हाफ होगा 30,000। इस तरीके से 75,000 रुपीज़ फर्म के बैंक से विड्रॉ कर लिए गए, बीइंग हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन।
सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ लेट अस डिस्कस, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स फुल्ली और पार्टली। इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ सेकेंड पार्ट में देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के। नाउ इसी तरीके के क्वेश्चन अभी इस सेक्शन में हमें मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 29, आपको मैं बता दूं कि टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का सिलेबस CBSE के लिए, और टी एस गरेवाल एक बेहतरीन टेक्स्ट बुक है। इन्होंने जो भी क्वेश्चन वगैरह सजेस्ट किए हैं अपने टेक्स्ट बुक्स में, उसकी तैयारी अगर आप कर लें, उसे आप पढ़ लें एक बार, तो आपके लिए 100% स्कोर करना अकाउंटेंसी में पॉसिबल है। फाइन, अगर आप सिर्फ एक ही बुक पे, मतलब सिर्फ टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक पर अगर आप डिपेंडेंट हैं, तो आप गलत नहीं हैं, और ये भारत का सबसे पॉपुलर टेक्स्ट बुक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/3 and 2/3। On 1st April 2024, their capitals were Rs. 8,000 and Rs. 10,000 respectively. On that date, they admit C in partnership and gave him 1/4 share in the future profits. C brings Rs. 8,000 as his capital and Rs. 6,000 as goodwill. The amount of goodwill is withdrawn by the old partners in cash. Pass the journal entries and show the capital accounts of all partners. Calculate proportion in which partners would शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन फ्यूचर। नाउ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक नया पार्टनर आ रहा है सी, और वो अपना कैपिटल और गुडविल का पैसा ला रहा है, लेकिन मुख्य बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश, मतलब 100% जो गुडविल का अमाउंट पार्टनर्स को मिला है उनके सेक्रीफाइजिंग रेशो में, वो विदड्रॉ कर लेंगे। राइट, और हमें जर्नल एंट्रीज का बनाना है, साथ में कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 1/3:2/3। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए आप समझिए कि इनका रेशियो 1:2 है। फाइन, एक नया पार्टनर आ गया है सी, और सी को क्या देने वाले हैं, ये टोटल प्रॉफिट का 1/4 पोर्शन सी को देने वाले हैं। फाइन, अब जब इतनी ही जानकारी दी हुई होती है क्वेश्चन में, तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशियो होता है। आपको अलग से सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे संबंधित बनाए हैं। फाइन, और आप इस बात को क्योंकि आप यहाँ टाइम बचा सकते हैं, अपना एफर्ट बचा सकते हैं, एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सो आपको एक कुछ ना कुछ इनसाइट या मेंटल कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप दूसरों से आगे निकल सकें। अब यहाँ हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशियो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी क्या है, 1:2 ही है, आपको स्पेशल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें ए, अब देखिए अगर हमने सी को 1/4 दे दिया, तो ए और बी के लिए कितना बच गया, टोटल प्रॉफिट में से 1/4 अलग कर दीजिए, हो गया कितना, 3/4 पोर्शन बच गया जो ए और बी को दिया जाएगा। सो इसी 3/4 का 1/3, क्योंकि ए का हिस्सा 1/3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3/12, और बी का इसी 3/4 का 2/3, तो ये हो गया 6/12, और सी का 1/4 है। अब इसके नीचे देखिए आपको 12 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 3/12। इस तरीके से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 3:6:3। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1:2:1। राइट, यहाँ पर ही एलिमिनेट किया जा सकता था, 3 को कैंसिल किया जा सकता था, और आपको ये स्टेप की ज़रूरत नहीं थी, डिनोमिनेटर में 4 आता तब भी सही था, आपने यहाँ कर दिया वो भी सही। अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। सो जर्नल एंट्रीज ऑन 1st of April 2024, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, टू सीज कैपिटल अकाउंट,
सी अपना कैपिटल 8,000 रुपीज़ ला रहा है और प्रीमियम भी ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल सी का पोर्शन ही दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹6,000। ये फर्म का गुडविल नहीं है, ये पोर्शन है सी का। फाइन, जब कभी भी न्यू पार्टनर आता है तो न केवल उसे कैपिटल लाना होता है परंतु साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाना होता है, क्योंकि फर्म ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, फर्म का अपना रेपुटेशन है। फाइन, फर्म पुरानी हो चुकी है और नया पार्टनर जो आ रहा है वो फर्म के रेपुटेशन का फ़ायदा उठाएगा, तो एज ए रिजल्ट उसे प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाना होता है। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो टोटल 14,000 रुपीज़ फर्म को रिसीव हो रहा है सी से। Brought by C. अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स को दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। सो प्रीमियम फॉर गुडविल बंद हो जाएगा डेबिट होकर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड कितना है? 6,000 रुपीज़। डेट वही है 1/4/24 और क्योंकि दोनों पार्टनर सैक्रिफाइजर्स हैं इसलिए हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। फाइन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो ही यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो है जैसा कि मैंने आपको समझाया। सो इट इज हाउ मच डिवाइडेड बाई 3, 2,000 एंड 4,000। बीइंग प्रीमियम गिवन टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज 1:2। अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, अब ये जो अमाउंट इनको मिल गया ए और बी को, ये विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके कम कर दीजिए। डेट वही रहेगा 1/4/24, सो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू बैंक या कैश लिख सकते हैं। तो पूरा का पूरा 100% ए को मिला था 2,000, बी को मिला था 4,000, दोनों ने विड्रॉ कर लिया और फर्म का बैंक अकाउंट 6,000 से डिक्रीज हो गया। बीइंग गुडविल विदड्रॉन, क्वेश्चन नंबर 29 में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और तीनों पार्टनर का एक साथ बनाएंगे। यहाँ ये ए का कॉलम है, बी का कॉलम है, सी का कॉलम है और ओपनिंग बैलेंस पुराने पार्टनर्स का मतलब ए और बी का दिया हुआ है ₹8,000 एंड ₹10,000। अब जब नया पार्टनर आया तो उसने बैंक में पैसा लाया, कैपिटल का पैसा, सो सी का कैपिटल है ₹8,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया, सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ₹6,000 है जो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब 1:2 में दिया है ओल्ड पार्टनर्स को, सो ₹2,000 ए को मिला और ₹4,000 बी को मिला। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्होंने 100% इसे विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ हम डेबिट साइड से करेंगे, टू बैंक लिखकर विड्रॉ कर दीजिए, 2,000 एंड 4,000, जिसको जितना मिला उतना विड्रॉ कर लिया। अब हम क्लोज कर देंगे इसे, फाइन। सो यहाँ ग्रैंड टोटल आ गया 10,000, यहाँ आ गया 14,000 और यहाँ आ गया 8,000, तो टू बैलेंस क्लोज डाउन, 10 - 2 = 8,000, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस फॉर ए क्रेडिट बैलेंस, 14,000 - 4,000 = 10,000 एंड 8,000 विल रिमेन द सेम। So this will be the impact of premium for goodwill in the partner's capital account. Now let us see next question, question number 30. A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner for 3/7 share in the profits and the new profit sharing ratio will be 2:2:3. Now
सी ब्रॉट रुपीज 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड रुपीज 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल. हाफ ऑफ द शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विदड्रॉन बाई ए एंड बी फ्रॉम द फर्म. कैलकुलेट सेक्रीफाइजिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म. अब इस क्वेश्चन में भी हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल शो करना है. पहले तो देना है, उसके बाद हाफ ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे. अब यहाँ सेक्रीफाइजिंग रेशियो के बारे में बात कर लें. देखिए ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2 है, लेकिन नए रेशियो में ए और बी का रेशियो 3:2 नहीं है, देखिए 2:2 है. मतलब आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना चाहिए. इस केस में आप ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइजिंग रेशियो नहीं ले सकते. सो क्वेश्चन नंबर 30, ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:2 और नया पार्टनर सी के आने के बाद ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 2:2:3. अब हमें देखिए कि ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का सेम नहीं रह गया, इसलिए हमें सेक्रीफाइजिंग रेशियो मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. ए का रहेगा 3/5 माइनस 2/7. एलसीएम लेंगे 35, 14 माइनस नॉट 14 21, 3 7s are 21 माइनस 10, ये हो गया 11/35. बी का लेंगे 2/5 माइनस 2/7, यहाँ भी एलसीएम आएगा 35, 14 माइनस 10, 4/35. सो यहाँ क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों के 35 है, इसलिए सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ गया न्यूमरेटर्स में जो नंबर्स लिखे हुए हैं 11:4. मतलब न्यू पार्टनर सी का जो पोर्शन है 3/7, उसको ओल्ड पार्टनर्स ने 11:4 में कंट्रीब्यूट किया है. मतलब इतना सेक्रीफाइस किया है इस रेशियो में, तब जा करके नए पार्टनर का पोर्शन ऑफ प्रॉफिट बना है. ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब हमें जर्नल एंट्रीज करना है रिलेटेड टू दिस. जर्नल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट. सी जो है वो 2 लाख रुपीस का कैपिटल लेकर आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है एंड 1,50,000 का. सो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल. ₹1,50,000. सो टोटल मनी ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इज ₹3,50,000. अब इस लाए हुए प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को. सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड ₹1,50,000 और इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए आप सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को जो कि ए और बी दोनों हैं. सो ए इस कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में, दोनों ने सेक्रीफाइस किया है. फाइन, यहाँ लिख देता हूँ मैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू 11:4. सो 1,50,000 को 11:4 में ब्रेक करेंगे. 1,10,000 रुपीज़ ए को दे दीजिए, जिसने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है उसको ज़्यादा और जिसने कम सेक्रीफाइस किया है उसको कम. वेरी सिंपल. बीन प्रीमियम गिवन टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो. अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, प्रीमियम मिलने के बाद पार्टनर्स ने प्रीमियम को विड्रॉ कर लिया, हाफ को विड्रॉ कर लिया है. सो ये कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है. सो ड्रॉइंग्स भी कैपिटल अकाउंट से ही होगा. सो ये किस तरीके का ड्रॉइंग्स है? इट इज़ ड्रॉइंग्स आउट ऑफ और अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ नॉट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. फाइन, टू बैंक, बैंक अकाउंट अब क्रेडिट हो जाएगा. अब देखिए जितना जिनको मिला था 1,10,000 का हाफ विड्रॉ करेंगे तो 1,10,000 का हाफ कितना होता? 55,000.
और 40,000 का हाफ कितना होता है, 20,000। सो इस तरीके से 75,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया गया, जो कि 1,50,000 का हाफ है, बीइंग हाफ द अमाउंट। Of goodwill withdrawn. So this is the solution for question number 30. Now, let us see question number 31st. Mahesh and Suresh were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They decided to admit Neeta to partnership with 1/4 share in the profits. Neeta brought rupees 2 lakh for her capital and the requisite amount of goodwill premium in cash. The goodwill of the firm is valued at rupees 12 lakh. The new profit sharing ratio of the partners is 2:1:1. Mahesh and Suresh brought their share of goodwill. Mahesh and Suresh withdraw their share of goodwill. Pass necessary journal entries in the books of the firm for the above transactions. Now, naya partner aa raha hai, Neeta. Fine, Neeta is joining the firm. Aur Neeta's capital is rupees 2 lakh. And portion of goodwill will be 12 lakh divided by 4. That is 3 lakh premium for goodwill. Fine. Ab sacrificing ratio kya hoga? Dekhiye, old ratio, old partners ka kya hai? 2:1. और न्यू रेशो में ओल्ड पार्टनर्स का रेशो है 2:1, सेम है। इसका मतलब यह है कि हम ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइजिंग रेशो ले सकते हैं, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, एंड महेश एंड सुरेश हैज़ विड्रॉन देयर शेयर ऑफ गुडविल। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 31st, एंड नीता इज जॉइनिंग द फर्म with a capital of rupees 2 lakh and goodwill of rupees 3 lakh. So bank account will be debited. Bank account debited to Neeta's capital account. It is 2 lakh rupees. 2 lakh rupees and to premium for goodwill. फर्म का टोटल गुडविल 12 लाख है और नीतास पोर्शन ऑन इन द प्रॉफिट इज 1/4, सो 12 लाख का 1/4 होगा 3 लाख रुपीस और 5 लाख रुपीस फर्म के पास आ गया। नीता को या न्यू पार्टनर को कभी भी अपने पोर्शन का गुडविल लाना है, फर्म का टोटल गुडविल लेकर नहीं आना है। फाइन, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय अब इस प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्लोज्ड और ट्रांसफर किया जाएगा सैक्रिफाइजर्स को, जो कि महेश है और सुरेश। सैक्रिफाइजिंग रेशो इस केस में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइजिंग रेशो रहेगा, दैट इज 2:1, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशो में प्रॉफिट चेंज नहीं हुआ है, 2:1 ही है। फाइन, सो इस 3 लाख रुपीज को दे दीजिए। 2 लाख विल गो टू द फर्स्ट पार्टनर एंड 1 लाख टू द सेकेंड पार्टनर। Being premium paid to old partners in sacrificing ratio. अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है महेश एंड सुरेश withdraw their share of goodwill. So हमको withdrawal की एंट्री अब करना है, next entry. So इसके लिए महेश capital account debited, सुरेश capital account debited. To bank. Fine.
इनको मिला था 2 लाख रुपीज़ प्रीमियम का और 1 लाख रुपीज़ पूरा का पूरा 100% विड्रॉ कर ले रहे हैं। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है ये, बीइंग गुडविल विदड्रॉन। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 31। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी सुना है, आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। इन केस कुछ डाउट है देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो टेल मी द सिटी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।